So good morning friends, again a very important topic for those who want to make their career in Bihar Vidhan Sabha Group D. स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको और कैसे आप इंजॉय कर रहे हो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आपको 40 वीडियोस से एबो की लिस्ट एक दे दी है जिसके अंदर आपके पास बिहार विधानसभा ग्रुप से डी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है, आप उनको अवेल करिए, उनका बेनिफिट लीजिए और बहुत सी चीजें भी उनसे आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपको अपने नए क्वेश्चन पे लेके चलते, पर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिवर्सल इंट्रो बुक, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक हम कहेंगे। हमारे जितने भी बिहार के बच्चे ये बुक्स मंगवा रहे हैं, हम इसकी श्योरिटी लेते हैं तक पहुंचने की और वो बहुत सेटिस्फाइड है। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स बुक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए भी कामयाब है जो इंग्लिश नहीं जानते। तो चलते हैं हम अपने बच्चों के लिए एक नया क्वेश्चन, नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो यस पूजा, आज आपने कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन देखा जो आप चाहोगे कि बताएं और हम उसे मिलकर सॉल्व करें? सर बिहार विधानसभा ग्रुप डी में यदि हमें एक्सपीरियंस हो बताना चाहिए कि नहीं? आप कह रहे हो कि आपको एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, यानी कि एक्सपीरियंस हो तो बताना चाहिए कि नहीं बताना, इजंट इट? तो किस तरीके के एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं? सर जैसे हमें पढ़ाते हो या फिर जॉब करते हो। ओके, और यानी कि आपके कहने का मतलब अगर मैं कहीं पढ़ाती हूँ या आप कहीं जॉब करते हैं तो मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए इंटरव्यू में? वेरी राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। जितने भी बच्चों ने ये रिकमेंड किया था क्वेश्चन, हम वाकई में उनके लिए थैंकफुल हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस तो है। अब देखिए बात ये इस क्वेश्चन के अंदर कि वो आपसे पूछ रही है कि पर्टिकुलर, ये एक हमारी टेंडेंसी है कि हमें क्या करना है। यस सर। सामने वाले ने आपको सिर्फ ये बोला है कि आप क्या करते हो, अपने बारे में कुछ बताओ, उस दौरान आपने क्या बताना है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन के अंदर मैं इसको आपको आंसरिंग जरूर करूंगा और आपको बताना चाहूंगा एक बात कि देखिए आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका जॉब अगर कोरिलेट कर रहा है आपने इस प्रोफेशन को जिसके लिए आप करंट में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जा रहे हैं या ऑफिस अटेंडेंट के लिए जा रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा ये तो आइसिंग ऑन द केक होगा आपकी लाइफ के लिए, बहुत बढ़िया बात होगी अगर आप ये एक्सपीरियंस बताते हैं तो। पर हाँ, जिस तरीके से मैंने आपसे जो पूछा था कि किस तरीके का एक्सपीरियंस, तो आपने बोला था सर मान लीजिए हम कहीं पढ़ाते हैं, तो मैं यहां आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा कि यहां क्या होगा कि यदि आप टीचिंग जॉब में हैं और आपका जो प्रोफाइल है वो ऑफिस अटेंडेंट है, तो स्टूडेंट्स मिसमैच है थोड़ा सा, यानी कि मैचिंग नहीं आ रही है। हम यहां पर आपको कहना चाहेंगे आपको नहीं बताना चाहिए। आप कहेंगे सर ये क्यों? तो देखिए टीचिंग एक नॉर्मल प्रोफेशन है, ऑब्वियस है, वो आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड आंसर्स है इन बातों के लिए या ये बताने के लिए कि सर मैं टीचिंग जॉब को छोड़कर इस गवर्नमेंट जॉब में क्यों आ रहा हूं, देयर इज अ वैलिड रीजन बिहाइंड दैट। पर अगर आप सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और आप सिर्फ बात करेंगे सर गवर्नमेंट जॉब सेफ है, ये है वो है, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा और ना ही आप उन्हें इंप्रेस कर पाओगे। तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास जस्टिफाइड आंसर्स है तो बिल्कुल आप इस तरीके का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मगर मेरी यही राय रहेगी कि एक्सपीरियंस दिखाना गलत नहीं है बल्कि फायदा है, मगर आपकी जॉब से रिलेटेड। तो यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक लाइन कहना चाहूंगा, आप थोड़े से स्टूडेंट डिप्लोमेटिक हो जाओ। आपको सर मतलब ये स्टूडेंट्स कि आप क्या करिए, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज गेन, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप लेकर दिखाते हो तो आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर रहने वाला है। तो क्वेश्चन अच्छा था पर इसका आंसरिंग मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं कि आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर दिखाना चाहिए, बेनिफिट मिलता है, बट इट शुड कोरिलेट, वेदर इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट डजंट मैटर, शुड कोरिलेट। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी दिखा देंगे। इवन मैं आपको अगर कोरिलेशन दूं कि अगर आपने कहीं पर रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब करी है और आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट कोई गलत नहीं है, आप बता सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं 50% प्रोफाइल मिलता है हॉस्पिटैलिटी का, लोगों से डील करने का। पर ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, इस समय आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई उनको करना चाहते हो। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर आप सिंसियरिटी से इस टॉपिक के ऊपर अगर वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पर हाँ, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसका क्वेश्चन मिल रहा कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे को क्या करना चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है हम कुछ डिले हो पर आपको जवाब जरूर देंगे। आपने देखा है हम कमेंट बॉक्स के अंदर कोशिश करते हैं हर बच्चों को सेटिस्फाइड करने की। yes, आपको भी जवाब मिलेगा, एक अच्छा जवाब आपका वेट जरूर, आपको वेट करिए उसको, आपको जरूर उसके अंदर मिल जाएगा अगर आपका पर्सनल में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छा था और आप इसका आंसरिंग समझ गए। आप मेरा वीडियो लास्ट तक इसलिए देखते हो क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक जरूर टिप देता हूं और कोशिश करता हूं कि बिहार विधानसभा ग्रुप के बच्चे जरूर सिलेक्ट हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कहते हैं सर ये टिप क्या है आज की, तो इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है, ये है तो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड ही। देखो बच्चों, अगर आप बिहार विधानसभा ग्रुप डी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई भी प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, बस एक बात ध्यान रखना कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हमारे अंदर बहुत से नकारात्मक सोच आते हैं, यार मेरा नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरी फैमिली में इस समय ये है वो है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, मगर अगर आप अपना पॉजिटिव सोच के साथ जाते हो, आपको कुछ नहीं सोचना कि होना है कि नहीं होना, ये कभी मत सोचना इंटरव्यू में। आपका मकसद होना चाहिए ऑप्टिमिज्म, यस मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं अपनी स्किल्स दिखाने जा रहा हूं, वो तो इंटरव्यूअर की मर्जी है भाई क्या होगा। कुछ चीजें मैं कहता हूं छोड़ देनी चाहिए भगवान पर, आप कर्म पे विश्वास रखो, तो अपने काम को, अपने इंटरव्यू को एक जुनून लो, आज से ही एक जुनून डाल लो अपने अंदर। कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बताना चाहूंगा। नो डाउट एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, बुक रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो जरूरी है स्टूडेंट, मॉनेटरी इज नेसेसरी वेल ऑफ लाइफ आई कैन से, और हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूरी भी है। इसके अलावा रिकमेंड करते हैं आपको टेलीफोन कोर्सेज के लिए, आपने देखा बिहार के बहुत से बच्चे हमारे पास यहाँ आए भी थे, इवन वी हैव रिसेंटली स्टूडेंट फ्रॉम शिवान, आपने बहुत से टेलीफोन कोर्सेज के स्टूडेंट्स के वीडियोस भी देखे। पर मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो यही कहूंगा कि बहुत से बच्चे ऐसे भी जो शायद कोर्सेज अफोर्ड ना करें, उन बच्चों के लिए हमने आपको 900 अबोव वीडियोस दे रखे हैं हमारे चैनल पर, आप एक बार तसल्ली से जाइए, वहां इंग्लिश भी सीख सकते हैं, पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी डेवलप कर सकते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड हर क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको कहीं भी आप अटको, आप उस क्वेश्चन को लिख दो। इवन मैं आपको क्यों सेलेक्ट करता हूं, ये क्वेश्चन भी अगर आप इंग्लिश में लिख देते हो, आगे पीडी क्लासेस लिख दो यूट्यूब पर, डेफिनेटली आपको हमारा इससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा। तो आपके लिए सब सहूलियत है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सिर्फ उसको देखिए, अपना करियर बनाइए बस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप हमारे जितने भी वीडियोस है उसमें कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव दे रहे हो, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक भी कर देते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, थैंक यू हर चीज के लिए, हम आपके कदरदान रहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे जब वीडियोस देखते हैं तो उन क्वेश्चनिंग को सिर्फ सुनकर समझो मत, उनके ऊपर आंसरिंग बनाकर प्रैक्टिस किया करो, प्रेजेंटेबल बनो। बस ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये नहीं करना कि मैं सिर्फ आंसरिंग सुनूं और मैं समझूं और मैं बोल लूंगा, नहीं, आपको बोलना है। 100 बार बोलोगे तो शायद सामने लोगों को इंप्रेस कर पाओगे, यही रियलिटी होती है इंटरव्यू की। तो प्लीज आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, मैं गारंटी देता हूं आपके सक्सेस की। तो इट्स अ राइट टाइम टू से थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू लॉट, थैंक यू।